एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर देना है फैसला। इससे पहले राहुल नार्वेकर अचानक हुए दिल्ली रवाना, एक बार फिर महाराष्ट्र में हलचल हुई तेज। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर जल्द ही अंतिम नतीजा आने के संकेत मिल रहे हैं। अयोग्यता के फैसले को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की ओर से की गई देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इन सबकी रिपोर्ट पेश करने का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने स्टैंड लिया था कि मैं किसी भी हालत में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगा। हालांकि राहुल नार्वेकर गुरुवार को अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए, इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। क्या राहुल नार्वेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ 16 शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर चर्चा करेंगे? 16 विधायकों की अयोग्यता पर अंतिम फैसले के लिए राहुल नार्वेकर का दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। अगर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर दल बदल कानून के तहत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य करार देते हैं तो कई लोगों की नज़र इस पर है कि क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा। इसलिए राहुल नार्वेकर का दिल्ली दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस बीच राहुल नार्वेकर ने दिल्ली को लेकर इन सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया है। उनकी ओर से कहा गया है कि मेरा दिल्ली यात्रा पूर्व नियोजित थी, इसलिए मैं आज दिल्ली जा रहा हूं। 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में होने वाली अन्य बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, आप बस मेरे निर्णय पर ध्यान दो। यह फैसला लेने में कोई देरी नहीं होगी, किसी तरह निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी ताकि कोई गलत निर्णय न लिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि इस मामले में संविधान के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। राहुल नार्वेकर के दिल्ली दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिरसाट ने कहा कि हमारे वकील दिल्ली में हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे मामले की पैरवी की, उनसे चर्चा करना जरूरी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का सटीक आदेश क्या है ये भी समझना जरूरी है, इसलिए राहुल नार्वेकर दिल्ली गए हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा नहीं दी है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये कार्रवाई तेज गति से होनी चाहिए। यह नहीं कहा गया है कि इसके लिए प्रक्रिया को छोड़कर कार्रवाई करें, इसलिए यह कार्रवाई प्रक्रिया के तहत की जानी चाहिए। संजय सिरसाट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इसके लिए कितना समय चाहिए, इस संबंध में दिल्ली में चर्चा की जाएगी। वहीं आपको बता दें, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए एक सप्ताह के भीतर समय सीमा बताने का निर्देश देते हुए कहा था कि यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता, हमें समय सीमा के बारे में बताएं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि नियमों और संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के बाद जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा।